बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज के लेक्चर स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट जो प्रमोट हो गए हैं उनके लिए है, जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा है, बास स्टूडेंट्स अक्सर हमने देखा है, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कि अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइन ना हो तो बावजूद इसके कि वो तैयारी अच्छी करते हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन ना होने की सूरत में सिलेबस, तरीकाकार, ये सारी चीज़ें पता ना होने की सूरत में काफ़ी गलतियां कर जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जब पेपर दे के हमारे पास आते हैं एमडी कैट का एंट्री टेस्ट की, तो वो आते कहते हैं सर ये चीज़ें हमें तो बस आती थी, टाइम ही नहीं मिला या बस टाइम ख़त्म हो गया। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें मसाइल होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ चंद चीज़ें हम डिस्कस करें। तैयारी तो आपने करनी है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया हो कि किस तरह इसको डील करना है। तो सबसे पहले तो याद रखना आपने कि एमडी कैट टेस्ट इस साल 2020 में होने जा रहा है। टोटल इसमें 200 मार्क्स हैं इसके, और टाइम इसमें 150 मिनट्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और इसका जो सिलेबस है इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है वो बायोलॉजी का है। 80 मार्क्स हैं बायोलॉजी के, 60 केमिस्ट्री हैं, 40 इसमें फिजिक्स के हैं, और 20 इंग्लिश इसमें है। अच्छा, ये याद रखना है इसमें आपने कि ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क। अच्छा, अब इसमें जो सक्सेस है आपने, इसमें कुछ चीज़ें आपने ख्याल रखना। एक तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, ठीक है, ये स्टाइल ऑफ द पेपर क्या है। फिर कंसेप्चुअल यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस को, सवाल को समझना भी, यूँ समझ लें जो समझ जाते हैं तो 25% तो वही सॉल्व हो जाता है ना, समझना भी, समझ नहीं है तो फिर तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। जो पेस आपकी है, जो आपकी रफ्तार होगी, ठीक है, उसको भी साथ आपने जेहन में रखना है, और अटैम्प्ट मेथडोलॉजी, ठीक है, ये भी यही आपको तरीकाकार क्या होना चाहिए। बाद स्टूडेंट शुरू में उसको अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं तो बस वो एक पहला उसको फिर देखेंगे, दूसरे को अगर वो सॉल्व करने वाला है तो सॉल्व करने बैठ जाएंगे, सोचने वाला है सोचने बैठ जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, फिर नेक्स्ट पे, तो इस तरह टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जहन में रखें, सबसे पहले आप इसको रीड करती हैं, जो 100% आपको श्योर है वो आप उनको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और 100% श्योर भी वो जो पढ़ के आपको, रीड करके आपको श्योर हो जाए, जिसमें कैलकुलेशन के बाद आप पता चलना है, फिलहाल बेहतर यही है कि उसको छोड़ते जाए, तो इस तरह एंड तक पहुंच जाए। फिर सेकंड आप दोबारा एक, ठीक है, नए सिरे से वहीं से दोबारा शुरू से इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। अब वो जो रह गए थे जो आपको आते हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अब जो इसके बारे में आप श्योर हैं कि ये आपको क्वेश्चन आते हैं, अब वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, ठीक है, या थोड़ा सा जिसमें आपने कुछ सोचो विचार करना है। और उसके बाद 100% जो श्योर होते जाएंगे फिर ये अटेम्प्ट करते जाएं। फिर जाके आपने थर्ड में जो आप श्योर नहीं है उनके बारे में आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेट करें उसको, उसके बारे में सोचें लॉजिकल वगैरह कोई, ठीक है, तो जो आपको ज़्यादा जिस तरफ वेटेज मिले उसको आप अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। अटेम्प्ट उसकी वजह यही है कि इस दफ़ा देखें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका हमें काफ़ी फायदा है इसका, तो इसलिए तो ये इस तरह आपने इसको देखना है, वरना इसमें बाज़ का ये होता है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और इस दफ़ा इसमें जो मिनिमम मार्क्स आपको जिसने उन्होंने एमडी कैट में अप्लाई कर सकेंगे 70% एफएससी में होना ज़रूरी है, और पासिंग मार्क्स एमडी कैट के वो 60% है नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेजेस में आप अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में
जो प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे जो प्रीवियस पेपर देखे हैं उनमें से जो मोस्टली हमारे पास हमें मिले हैं वो एक तो इसमें तीन पोर्शन होते हैं, याद रखें, फिजिकल का होता है, फर्स्ट ईयर सारी फिजिकल है, सेकंड ईयर में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 60 मार्क्स है, इसमें जो फर्स्ट ईयर है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है ना इसमें से अमूमन 4 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह स्टेट्स ऑफ मैटर में से 2 नंबर, दो इसका मतलब है, 2 नंबर का मतलब यहाँ ये समझ लें कि 2 एमसीक्यूज आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर 2, केमिकल बॉन्डिंग 2 है, केमिकल एनर्जेटिक्स में 2 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 2, केमिकल काइनेटिक्स में से 2। मोस्टली ये तकरीबन जो टॉपिक्स हैं इनमें से 2 हैं, कहीं पे जाके 4 हो जाते हैं, जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं 4 हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक में पीरियड में से भी 2, ग्रुप में से भी 2 आ जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 है। कंपाउंड जो नाइट्रोजन और सल्फर के हैं, ठीक है, इसके डिटेल सिलेबस भी अगर हम देखते हैं वो 4 आ जाते हैं, उसमें 4 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनिक पोर्शन है सेकेंड ईयर का, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो चैप्टर 7 है 3 उसमें हैं एमसीक्यू, इन 3 मार्क्स हो गए। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों आ जाते हैं, ये अभी हम देखते हैं डिटेल से सिलेबस। 4 अल्काइलेट में से भी 4, अल्कोहल फिनोल में से 4, एल्डिहाइड कीटोन में से 4, कार्बोक्सिलिक एसिड में से 4, अमाइनो एसिड्स इसमें आप देखें में से भी 2 हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स 3 हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से 2 हैं। तो अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेकेंड ईयर का जो ऑर्गेनिक पार्ट है इसमें से मैक्सिमम आ रहे हैं। तो ये आपके जहन में हो कि आपने ज्यादा जो एम्फसाइज है, ज्यादा जो तवज्जो है किस पे देनी है। तो ये देखिए सारे 4 4 4 4 मार्क्स इसमें आ रहे हैं। अच्छा, सिलेबस में भी एक चीज है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये इसमें से वो यूएचएस की साइट से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो अहम चीज होती है वो एक तो ये लिखा होता है कि जी फला फला इसमें आपने टॉपिक्स करने हैं, और ये पता नहीं होता कि हमने कौन से टॉपिक्स नहीं करने जिनको बिल्कुल उनमें से ताल्लुक नहीं है। तो इनमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो देखें इसको आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमारे पास, इसको हम शुरू कर लेते हैं, पहले हम फर्स्ट ईयर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये देखें टॉपिक 1 है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम, ये टॉपिक 1 है, मैंने चीज़ें टाइप कर दी हैं। यहाँ पे गौर से देखें आप कि जो टॉपिक 1 है इसमें फंडामेंटल जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं चैप्टर 1, और इसमें टॉपिक 1 जो है ना इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 9 है ना, ये इसी में फंडामेंटल कंसेप्ट में ये आ जाते हैं। अच्छा, इसमें रिलेटिव एटॉमिक मैसेज जो है या मॉलिक्यूलर मैसेज, रिलेटिव मैसेज जो है ये इसमें सिलेबस में शामिल है। आपके आइसोटोप्स हैं, मोल्स हैं, एवोगैड्रोज नंबर है, बिरिकर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। अच्छा, इसी तरह और चैप्टर 9 में से कंसंट्रेशन यूनिट्स, अब्सोल्यूशन, परसेंटेज, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी है। इसमें से आपने क्या नहीं करना, इसमें से आपने क्या नहीं करना, मोलैरिटी नहीं करनी, आपने पीपीएम शामिल नहीं है, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड ये नहीं करना, राउसला नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ज़ियोट्रोपिक एज़ियोट्रोपिक सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कर्व्स और हाइड्रोलिसिस ये बिल्कुल नहीं करना, ये शामिल नहीं है। इसी तरह जो टॉपिक 2 है फर्स्ट ईयर का, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, इसमें आ जाते हैं। चैप्टर 3 है लिक्विड और सॉलिड्स हैं, चैप्टर 4 है तो गैसेस स्टेट्स, जनरल गैस इक्वेशन ये इसमें से है। डाल्टन ला नहीं करना, ग्राम ला नहीं करना, केएमटी नहीं है, डेरिवेशंस इसकी भी नहीं है, लिक्विफिकेशन नहीं है, नॉन आइडियल बिहेवियर नहीं है, वैन डर वाल इक्वेशन और प्लाज्मा ये नहीं है। चैप्टर 4 में से लिक्विड स्टेट है, वेपोरेशन ये करना है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग,
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, लेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये करने हैं आपने। और जो नहीं करने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिक्विड क्रिस्टल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, ये नहीं करनी, ये शामिल नहीं है। इसी तरह टॉपिक 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 5 में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी जो डिस्कवरीज हैं, जिनके प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैस, ठीक है, चार्जेस की, और इसी तरह रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर्स, शेप्स हो गई एस पी डी ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये शामिल है, ये आपने करनी है। और क्या नहीं करना, मिलिकन सॉलिड ड्रॉप मेथड नहीं करना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल्स, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सरे, एटॉमिक नंबर, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग्स और क्वांटम नंबर, ये शामिल नहीं है। तो ये आपने ख्याल करना है इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि क्या चीज़। इसके बाद फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, टॉपिक 4 आ जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक 4 में से ये चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग और चैप्टर लिक्विड और सॉलिड का कुछ पोर्शन भी शामिल है। आयनाइजेशन एनर्जी ठीक हो गया, ये बात शामिल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनिक या हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये शामिल है। उसके अलावा यूज डॉट क्रॉस मॉडल हो गया, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, शेप्स एंड बॉन्ड एंगल्स, मॉलिक्यूल्स के कोवलेंट बॉन्डिंग आ गया, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेशली, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेशल फोर्स, ये इस टॉपिक के साथ हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये उसके साथ उनको रिलेट नहीं किया। अच्छा, इंटरप्रिटेशन और प्रेडिक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ये बात। तो यहाँ पे ये चीज़ ख्याल करनी है आपने, ये एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस लिहाज से डिफरेंट है कि ये जो टॉपिक है वहाँ पे आप हमें उसके साथ देखा है, तो वहाँ पे ये शामिल उसके साथ नहीं है, लेकिन ये इंक्लूड है क्योंकि टॉपिक वाइज ये हुए हैं। अच्छा, इसमें एटॉमिक रेडियाई सिलेबस में नहीं है आपके, आयनिक रेडियाई नहीं है सिलेबस, का मतलब है ये एफडीकैट का सिलेबस, एंट्री टेस्ट का, कोवलेंट रेडियाई और एमओटी, ठीक है। टॉपिक 5 जो है केमिकल एनर्जेटिक्स हैं, तो चैप्टर 7 इसमें है, कंसेप्ट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, यूज टर्म जो है एंथैल्पी चेंज, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, इसी तरह न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, और हेस्ला जो कॉन्स्ट्रक्ट टू कॉन्स्ट्रक्ट सिंपल जो इसमें एनर्जी साइकिल्स हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये डेफिनेशन हो गई, फर्स्ट लॉ हो गया, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट एंथैल्पीज शामिल नहीं है। टॉपिक जो 6 है, 6 टॉपिक में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, चैप्टर 10 हो गया, ठीक है। इसमें क्या शामिल है, रेडॉक्स प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग हो गई इक्वेशंस की, ठीक है, रेडॉक्स मेथड है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेथड्स यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स, इसी तरह स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कॉन्स्ट्रक्ट रेडॉक्स इक्वेशन, एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग द H2O2 फ्यूल सेल्स। क्या नहीं इसमें है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, लेड स्टोरेज बैटरी, अल्कलाइन बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, ये शामिल नहीं है। इसी तरह टॉपिक 7 हमारे पास है फर्स्ट ईयर का, इसमें ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, और इसमें रेट्स ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये शामिल है, ये करना है आपने। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी, तो ये टॉपिक 7 हो गया, उसके बाद
अच्छा, ये टॉपिक 7 चल रहा है अभी, इसमें रेट्स के बाद ये है क्या करना है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें तो हो गया था, हाँ जी, ली चैटर प्रिंसिपल है, एक्सप्रेशंस हो गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ केसी है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, कंडीशन यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, क्वालिटेटिवली द डिफरेंसेस इन बिटवीन स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड बेसिस हो गए, और टर्म जो है इनकी डेफिनेशन, जैसे पी एच है, के ए, पी के, पी के वी, के डब्ल्यू, के एस पी वैल्यूज वगैरह, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस की होगी। उसके बाद टॉपिक 8, इसमें रिएक्शंस या केमिकल काइनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, ये इसमें है, और इसमें क्या क्या करना है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, कैटालिसिस रेट, इक्विलिब्रियम एनर्जी, कैटालिसिस रेट, इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कोलिजंस हो गए, एंजाइम्स एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, उसी तरह कॉन्स्ट्रक्ट एंड यूज, रेट इक्वेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिहाज से कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इसी तरह कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, उसमें फिर नेम ए सूटेबल मेथड फॉर स्टडीइंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज शामिल नहीं है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये चैप्टर, ठीक है, टॉपिक 8 और चैप्टर 11 है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अब आ जाएं, हम देखते हैं इसमें हमारे पास सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक पोर्शन भी है, इनऑर्गेनिक पोर्शन भी है। तो फर्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में से शामिल है, और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, पीरियड्स में, ये हमारे पास ये दोनों जो हैं इसी में ही हैं, फंडामेंटल में टॉपिक वन में आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें व्हाट टू स्टडी, क्या स्टडी करना है हमने, ठीक है, व्हाट टू स्टडी, इसमें व्हाट नॉट टू स्टडी, तो क्या स्टडी करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें हैं, अल्केन्स और अल्कीन्स ऑफ लोअर मैसेज हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप और नॉर्मल कल्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, रिफॉर्मिंग इसमें नहीं है, और क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है, क्लासिफिकेशन का मतलब या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टॉपिक वन में फर्स्ट चैप्टर में से जो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन में से पीरियड्स के लिहाज से है, ठीक है, इसमें शामिल हैं। तो ये देखें, ये लिख भी दिया यहाँ पे कि वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू पीरियड टू और थ्री, ये पीरियड टू और थ्री पीरियडिक स्टडी में से पीरियड की स्टडी है, ग्रुप स्टडी नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेशन एनर्जी, इनके बारे में हमने देखना है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में ये इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं, और क्यों ऐसा होता है, दो चीज़ें मेन, ठीक है। पीरियडिक ट्रेंड जब डिस्क्राइब करें, हम डिस्क्राइब करते हैं तो अमूमन तीन चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि वो प्रॉपर्टी खुद है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं, जैसे पीरियड में है लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज और डिक्रीज, और किस वजह से इंक्रीज और डिक्रीज है। इसी तरह एक और इसमें पीरियडिक रिलेशनशिप जो है वो हैलाइड्स और ऑक्साइड्स भी शामिल हैं। तो टॉपिक जो टू है सेकेंड ईयर का, उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों आ जाते हैं, ऑर्गेनिक पोर्शन में से ये है, और इनऑर्गेनिक पोर्शन में से एस ब्लॉक्स जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर सेकेंड है, जिसमें हमारे पास इसमें से ग्रुप कौन कौन सा है, सातवां और आठवां ग्रुप है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स किसके लिहाज से, एम्फेसिस किसके लिहाज से, कमर्शन, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स विद एफ किसके लिहाज से है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स।
इसी तरह इनऑर्गेनिक पोर्शन में से वेरिएशन जो प्रॉपर्टीज की है ग्रुप सेकंड, और इसमें सेवंथ हमारे पास, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन और सॉल्युबिलिटी क्या है, सेकंड ग्रुप सेकंड ए ग्रुप जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स एंड देयर कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स और यूजेस ऑफ हैलोजन्स एंड कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स। तो ये सेकंड और हमारे पास सेवंथ ग्रुप है, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक में से क्या हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट भी हैं, साथ साथ एस ब्लॉक में से क्या है हमारे पास सेकंड है, ठीक है। और पी ब्लॉक में से कौन हमारे पास है, सातवां और आठवां ग्रुप होगा। अच्छा, इसमें से क्या नहीं करना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेशन अल्केन्स ही नहीं है, अल्काइन टोटल नहीं है आपके एमडीकैट के सिलेबस में, प्रिपरेशन बेंजीन की नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है बेंजीन की, ठीक है। इसी तरह ग्रुप फर्स्ट ए बिल्कुल टोटल नहीं है फर्स्ट चैप्टर में से, ऑकरेंसेज नहीं है इनमें से जो हम ये देख के आए हैं, डायफ्राम सेल नहीं है, डाउन सेल नहीं है, रोल ऑफ लाइम और रोल ऑफ जिप्सम, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज दोनों में, और नोबल गैसेस, ठीक है, ये शामिल नहीं है। इसी तरह टॉपिक जो थ्री है, थर्ड टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से केमिस्ट्री जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज की है ना, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यूजेस एज कैटलिस्ट है, ये करने हैं, और बाइंडिंग एनर्जी शामिल नहीं है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं है, कोवलेंट रेडियस नहीं है, आयनिक रेडियस नहीं है, पैरामैग्नेटिज्म इसमें शामिल नहीं है। ये टॉपिक थ्री हमारा जो चल रहा है, टॉपिक थ्री में से जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें से क्या हमारे पास है, ऑर्गेनिक पार्ट में से, यानी ये टॉपिक थ्री अल्काइल हैलाइड हो गया। अच्छा, इसमें से टॉपिक थ्री तो ये यहां से हो गया, ठीक, अल्काइल हैलाइड यहां से होगा, उससे पहले ये अभी ट्रांजिशन वाला चल रहा है 3D सीरीज वाला, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5, ये शामिल है, ये करने हैं आपने। और क्या नहीं करना, आयरन जो है रॉट आयरन हो गया, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी नहीं है, क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स पोटेशियम परमैंगनेट ये शामिल नहीं है। अब आ जाए टॉपिक थ्री जो अल्काइल हैलाइड है, उसमें क्या करना है आपने, इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एंड मैकेनिज्म, यानी SN1 और SN2 है। क्या नहीं करना आपने, चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड्स टॉपिक 3 हो गया हमारे पास, प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड की नहीं है, ग्रिग्नॉर रिएजेंट नहीं करना आपने। टॉपिक 4 हमारे पास है, इसमें अल्कोहल और फिनोल है ऑर्गेनिक पार्ट में से, तो अल्कोहल विद रेफरेंस टू क्या करना है आपने, प्राइमरी स्कैंडी टर्शियरी अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल है, रिएक्शंस हैं अल्कोहल के फिनोल के रिएक्शंस हो गए, और एसिटिक वाटर एथेनॉल और फिनोल की जो कंपैरिजन है, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्या नहीं है इसमें, प्रिपरेशन ठीक है ऑफ मेथनॉल नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल नहीं है, और ईथर मुकम्मल तौर पर नहीं है, जैसे अल्काइन मुकम्मल तौर पर नहीं है, इसी तरह ईथर का पोर्शन मुकम्मल तौर पर नहीं है। इनऑर्गेनिक में से कंपाउंड जो नाइट्रोजन और सल्फर के हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स्थ है, और इसी तरह कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज में से भी कुछ पोर्शन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से इसमें से आ जाता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स चैप्टर 15 में है, ये पार्ट कम है। इसी तरह प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर चैप्टर 16 से है, ये शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये करना है, सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग ये इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं करना इसमें, पांचवा ग्रुप नाइट्रोजन सल्फर के लिहाज से, पांचवा ग्रुप में जो बातें हैं नाइट्रोजन सल्फर के लिहाज से वो नहीं करनी, सल्फर और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं करनी, सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है, पेपर इंडस्ट्री भी नहीं है,
ठीक है, जो टॉपिक फाइव हमारे पास है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या है, ये सारा चैप्टर करना है आपने, ये ध्यान में रखना है। मुख्तसर ये है कि आज चैप्टर इंक्लूडेड है स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब ये जितने भी हैं ये सारे आपने, तो चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट। टॉपिक सिक्स जो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की, रिएक्शन इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या नहीं करना आपने इस चैप्टर में से, जो 13 चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये शामिल नहीं है। टॉपिक 7 जो है ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स में से ये इंपॉर्टेंट है जनरल स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, प्रोटीन में जो होती है अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप के लिहाज से, ज्यूटेराइन एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड की और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टेरिफिकेशन नहीं करनी है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड भी इसमें नहीं करना। टॉपिक 8 मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन ये आपने अच्छी तरह करना है, कंडेंसेशन करना है, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए इसमें से है। क्या नहीं करना आपने, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स, ठीक है, हीट टाइप्स जो हो गए मोनोमर्स के लिहाज से बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू हीट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स स्ट्रक्चर्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड ये शामिल नहीं करने। और लास्ट टॉपिक नंबर 9 है, टॉपिक 9 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसमें से क्या करना है आपने, एयर पोल्यूटेंट सारे करने आपने, केमिस्ट्री, ठीक है, और काजेज जो है एसिड रेन, एयर पोल्यूटेंट्स हैं एसिड रेन है, और ठीक है उसके अलावा ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज, ठीक है, तो ये ध्यान से देखें तो ये सारे एयर के लिहाज से आ रहे हैं। तो क्या नहीं करना इसमें आपने, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डेफिनेशंस होती हैं, जैसे हाइड्रोसफेयर है, लिथोसफेयर है, बायोसफेयर है, इकोसफेयर वगैरह, ये मतलब ये कि स्मोक नहीं है, वाटर पॉल्यूशन शामिल नहीं है, फैक्टर इफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ वाटर ठीक हो रही है, जैसे हम बीओडी सीओडी वगैरह मालूम करते हैं, ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इससे अब आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या हमने नहीं करना। ये तो अब हमें दिया होता है सिलेबस में कि ये क्या क्या करें फिर क्या नहीं, तो फिर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इसको मैनेज करना। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली मुख्तसरन यूँ समझ लें कि ये आपको एक व्यू है, इसको आप सामने रखते हुए इन चीज़ों को नोट करें, सामने रखते हुए इन्हीं गाइडलाइंस पे अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। तो गुड लक, ठीक है, तैयारी करें और उसको अच्छी तरह कंसेप्चुअली पढ़ें। टेक्स्ट बुक सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को पढ़े, क्योंकि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज आपको समझ आ जाएगी, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी वो पूछ ले वैल्यूज डिफरेंट करके, ठीक है, एंगल डिफरेंट करके, लेकिन कंसेप्ट वही होगा, तो फिर आप उसको परफॉर्म अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। अस्सलाम।